आपको लिए चलते हैं अरुण सिंह के पास। अरुण इस वक्त क्रियात शहर में मौजूद हैं। अरुण बताइए आप इस वक्त कहां पर हैं? देखिए आपको एक तस्वीरें दिखाता हूं आनंद। देखिए इस समय इजरायली मिलिट्री ड्रिल कर रही है यहां पर। ड्रिल इसलिए कर रही है क्योंकि यहां कुछ देर पहले ही यहां पर एक मिसाइल आके गिरी थी, जिसकी वजह से आप देखिए कि आग लग गई थी और ये पूरा घर तबाह हो गया है। तो यहां पर जो खास बात है वो इजरायली मिलिट्री के लोग यहां पर आपको दिखाई देंगे। खास बात क्या है, जैसे ही कोई हमला होता है 5 मिनट के अंदर इजरायल की मिलिट्री के लोग, जांच एजेंसियों के लोग, हॉस्पिटल के लोग, एम्बुलेंसेज, सिविल सप्लाईज के लोग, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने वाले लोग, तमाम लोग आ जाते हैं। इस वक्त तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सिक्योरिटी ड्रिल चल रही है आपको, और हर डिपार्टमेंट के लोग आपको दिखेंगे। शहर के मेयर से लेकर सब लोग पहुंच जाते हैं विद इन 5 मिनट। ये बड़ी बात यहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में सब लोग, जितने भी लोग हैं, जो लोग यहाँ पर चाहिए होते हैं वो सब लोग पहुंच जाते हैं। देखिए दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो डैमेज होता है तुरंत के तुरंत वहां से कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट अगर लेबनान की तरफ से, हिजबुल्ला की तरफ से फायर किया जाता है तो सबसे पहले उसको उठा के ले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ दीवारों में जैसे ही जहां जहां पे छेद हो जाता है या पूरा डैमेज हो जाती दीवार, उसको इसराइल का झंडा लगा के फिलहाल के लिए यहाँ पर जब तक रिपेयर नहीं हो जाता उसको ढक दिया जाता है। और मिलिट्री के तमाम जो विंग्स होती है वो सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। देखिए इनकी गाड़ी देखिए यहाँ पर, अब बहुत ही एडवांस सिस्टम है यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं भी मिसाइल के गिरने के, रॉकेट के गिरने के 5 मिनट के अंदर सारी एजेंसी के लोग आ जाते हैं। उसकी वजह क्या आनंद, मैं आपको एक बार बताऊं, जैसे ये आसमान आप देखिए, लेबनान यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर है, वहां से कोई रॉकेट फायर करते हैं, आयरन डोम इंटरसेप्ट करता है। अगर वो किसी रिहायशी इलाके की तरफ आ रहा है तब तो उसको हवा में नष्ट करता है, और खाली जगह पे कहीं गिर रहा है तो उस पर वो पैसा और संसाधन खर्च नहीं करते अगर इस तरह से। लेकिन कई ऐसी मिसाइलें होती हैं जो आयरन डोम को धता बता करके उनको तोड़ करके आ जाती हैं, और इस घर में जैसे फटी, जैसे ही वो प्रोजेक्टाइल जिस दिशा में जाना होता है, लोकल अथॉरिटी से लेके मिलिट्री से लेके इंटेलिजेंस से लेके सारा कोऑर्डिनेटेड एक प्रयास होता है, और जिस जगह पे वो गिरते हैं वहां पर 5 मिनट के अंदर वो पहुंच जाते हैं, पूरे इलाके घेराबंदी करते हैं, और उसके बाद सीधे यहाँ पर देखिए इस तरह से जो मिलिट्री ड्रिल चल रही है ये इसी की कोशिश हो रही है। देखिए ये जो गाड़ियां इनकी है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें इक्विपमेंट्स बहुत सारे रखे हुए हैं, और इस पूरे अगर इस पूरी सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो आपको हर तरफ मिलिट्री के लोग दिखेंगे, फायर डिपार्टमेंट के लोग दिखेंगे, एम्बुलेंसेस दिखेंगी, यानी पूरा कोऑर्डिनेटेड किस तरह से कोशिश करते हैं, किस तरह से एफर्ट करते हैं, और कैसे 5 मिनट के अंदर डैमेज को कम से कम रखा जाए और लोगों की जान बचाई जाए। देखिए बड़ी बात है आनंद, एक और बात बताऊंगा आपको, जैसे ही सायरन बजता है, यहां पर मैंने इसराइल में देखा एक बिन्यामिना मिलिट्री बेस में 4 सैनिकों की मौत हुई, उसके अलावा आप कहीं भी देखेंगे, देखिए दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए किस तरह से पेट्रोलिंग करके इस पूरे इलाके की जो है सेना के लोग आ रहे हैं। तो बिन्यामिना जो मिलिट्री बेस था वहां पर सिर्फ 4 लोगों की जान गई, वरना ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि जैसे ही सायरन बजता है हर दो कदम पे यहाँ पे शेल्टर बने हुए हैं, लोग अपने घरों से निकलते हैं और शेल्टर में चले जाते हैं, तो जान का नुकसान बहुत कम होता है। ये इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर हम अपने देश से कंपेयर करें, 5 मिनट के अंदर, मैंने कई जगह पर देखा है, मैं आई विटनेस हूँ कि 5 मिनट के अंदर सारी अथॉरिटी, सारी सुरक्षा एजेंसियां, सारी पुलिस, मिलिट्री सब लोग पहुंच जाते हैं। और देखिए इन घरों में जो आग लगी उसको समय रहते बुझा लिया गया, डैमेज तो हुआ है, डैमेज तो नहीं रोक पाते, वो 99% के आसपास जो उनका स्ट्राइक रेट है। और एक बार और जरा मुझे मौका दे दीजिए, वो दीवारें देखिए जहां पर जो मिसाइल गिरने के बाद जो उसके टुकड़े होते हैं जहां तक जाते हैं, दूसरी दीवार पे दिखाइए नेगी जी, दूसरी दीवार पे, उस दीवार पे दिखाइए, वो घर भी डैमेज हुआ, उन दीवारों पर देखिए बड़े बड़े सेल वहां पर गए हैं। इन अगर दूसरी तरफ दीवार देखेंगे, इस दीवार पर देखेंगे, सामने वाली दीवार पर देखेंगे, लेकिन जान का कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये मिलिट्री ड्रिल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर आनंद मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इसराइल की सुरक्षा, पुलिस, मिलिट्री एजेंसीज कोऑर्डिनेटेड काम करती। जी मैं आप ही के साथ लाइव रहूंगा। अरुण देखिए आपने बात की कि किस तरह की तैयारी है, लेकिन क्या है कि इसराइल में नेशनल सर्विस कंपलसरी है, हर कोई एक तरीके की नेशनल सर्विस की ट्रेनिंग लेता है, भारत में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, इसराइल 7 साइड से कंटिन्यूअसली वॉर जोन में घिरा हुआ है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वॉर जोन, अगर कोई देश 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है तो वो इसराइल है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पेट्रोल सिस्टम यहाँ पर आया ये क्या अभी आया है, यानी कि क्या ये रॉकेट फायर जो यहाँ पर हमला हुआ ये थोड़ी देर पहले हुआ है, और ये रॉकेट गिरा कहां से? देखिए ये यही है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कोई रॉकेट या मिसाइल जैसे ही गिरती है आनंद, उसके 5 मिनट के अंदर उस मिसाइल या रॉकेट को यहां से हटा देते हैं, ताकि इसराइल के लोग या कोई उसको न देखे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे इस घर की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए रॉकेट गिरा, ऊपर से रॉकेट चला गया यहां से, 5 मिनट के अंदर उसको यहां से हटा ले जाते हैं, उसके बाद ये ड्रिल करते हैं। और आज की जो ड्रिल हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह का होता है तो कैसे, रास्ते कहां से हैं, कितनी देर में हम पहुंच सकते हैं,
कहाँ कहाँ लोगों को रखना है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे कहाँ रखना है। अब इस वक्त देखिए ड्रिल पूरी हो गई है और ये लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं, जो सेना के लोग हैं। ड्रिल पूरी हो गई, वेपन देखिए इनके, इनके हथियार देखिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन होते हैं। और मैं आपको आनंद एक और बात बताऊं, जिस रिजर्व मिलिट्री की बात आपने की, कंपलसरी ट्रेनिंग की बात की, बहुत ऐसे लोग बीच पर घूमते आपको मिल जाएंगे, आपको लगेगा कि वो टी शर्ट पहन करके और बरमूडा पहन करके और गन लटका के चल रहे हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी जो गन होती है, AK-47 लटका के चल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? जब आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैं मिलिट्री की ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति हूँ, 3 साल मैंने काम किया है, मैं रिजर्व में हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, बच्चों के साथ घूम रहा हूँ, लेकिन जैसे ही SMS मेरे मोबाइल पर आएगा, मुझे जरूरत होगी, मुझे बताया जाएगा कहाँ पहुँचना, मैं तुरंत पहुँच जाऊंगा वहाँ। तो वो जो आप बात कर रहे थे, वो तो मैंने हर जगह देखा है यहाँ पर, कि हर आदमी यहाँ पर मिलिट्री का आदमी है, हर आदमी ट्रेनिंग। और क्या लड़कियां, क्या लड़के, आप यहाँ देखिए जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां यहाँ पर देखिए, दोनों की संख्या बराबर है। और आप देखिए यहाँ पर ब्लैक लोग भी हैं, व्हाइट लोग भी हैं, यानी ये जो मिलिट्री है बहुत ही एक तरह से आप इसको देखिए प्लूरल सोसाइटी जो यहाँ की है, या बाहर से भी जो लोग इनके पास आते हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं वो लोग। अगर आप अच्छी 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 अच्छा निशाना लगा लेते हैं, मिलिट्री में काम करना चाहते हैं, रिजर्व में रखते हैं, कई बार आपको पुलिस में रखते हैं, कई बार मिलिट्री में रखते हैं, वो बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। और आप आनंद जिसकी बात कर रहे थे, 6 से 7 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है देश, और 70 साल से लड़ाई लड़ रहा है हिंदुस्तान और इसराइल, कई मायनों में मैं कहूंगा कि कुछ मामलों में समानता उसकी भी, हमने भी कई युद्ध लड़े हैं, हम भी कई सीमाओं पर 2.5 मोर्चे पर ही सही, लेकिन हम भी लड़ रहे हैं, ये 7 मोर्चे पर लड़ रहे हैं, ये अंतर है। लेकिन आप देखिए ये जो गाड़ियां जिस तरह की होती हैं, और जिस तरह से यहाँ के लोग आते हैं, और जिस तरह से ये देखिए सिविल सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो भी तुरंत, जो वॉलंटियर्स हैं वो भी तुरंत पहुंच जाते हैं। मेरा मकसद ये दिखाना था कि किस तरह से देखिए हमले 99% रुक जाते हैं, लेकिन जो एक आध दो हमले हो भी जाते हैं उसका असर कम हो, इसकी कोशिश करते हैं। ये लेबनन के, इसराइल लेबनन के बॉर्डर से कितनी दूर है ये क्रियात शहर, एक। दूसरा, आपने कहा कि हर दो दो ब्लॉक्स में या हर मोहल्ले में बॉम्ब शेल्टर्स इन्होंने बनाए, तो जो रिहायशी इलाकों में जैसी सायरन बजता है तो इसराइली अपने घरों से निकल के इन शेल्टर्स में घुस जाते हैं। किसी शेल्टर पर आपकी नजर पड़ी है? मैं जानता हूं आपका रेडियस ऑफ मूवमेंट लिमिटेड होगा क्योंकि आपको रोका जाएगा, लेकिन अगर आप किसी शेल्टर पर आपकी निगाह पड़ती है तो क्या आप नेगी को कहकर वो दिखा सकते हैं? जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने शेल्टर पे स्टोरी की है। जिन लोगों के पास पैसा है, जो अच्छे खासे, जैसे इस तरह की कॉलोनियां है ना, ये जो कॉलोनियां है, जिनके पास पैसा है, वो घर के अंदर ही एक कमरा ऐसा बनाते हैं जिसमें दो दो ढाई ढाई फुट की कंक्रीट की दीवारें, बीच में स्टील होता है, बीच में लोहे की रॉड होती है, उनकी खिड़कियां भी कई कई किलो की बनी होती है उसकी लोहे की। तो ये जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन सारे घरों के अंदर ही बंकर बने हुए हैं। इनको पता है वजह उसकी क्या है? आनंद, मैं बता रहा हूँ, कई ऐसे इलाके हैं, जैसे ये इलाका लेबनान से बेहद सटा है, तो यहाँ पर 40 से 50 सेकंड मिलता है सायरन, उधर से मिसाइल चली, आयरन डोम ने उसको इंटरसेप्ट किया, सायरन बजना शुरू हुआ, 40 सेकंड के अंदर आपको अगर अंदर घुस जाना है, तो अगर आप 200-300 मीटर दूर जाएंगे तब तक तो अटैक हो जाएगा। तो आपको नियरेस्ट प्लेस पे आपके घर के अंदर ही बंकर में घुस जाना है, और इसी वजह से जान बचती है। ये जो ये घर है, यहाँ पर लोग क्या है, सीधे नीचे बंकर में चले जाते हैं, ये जो सोसाइटी है यहाँ सीधे लोग, लेकिन मैं सड़कों की बात बता रहा हूँ, अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, वहाँ अचानक सायरन बज गया तो क्या करेंगे? वहाँ पर आप देखेंगे हर 100 मीटर 200 मीटर पर बहुत ही कंक्रीट की बहुत ही मजबूत बंकर या शेल्टर बना हुआ है, कम्युनिटी शेल्टर बना है। जिन लोगों को, जो रिच नहीं है, जो पैसे वाले लोग नहीं, उनकी सोसाइटी में अगर बात करेंगे आप, तो बीचों बीच एक बंकर बना हुआ है जिसमें लोग दौड़ करके आ सकते हैं। एक ओल्ड एज होम में गया था मैं, वहां पर चूंकि बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते और 50 सेकंड का समय मिलता है आपको, तो वो हर घर के सामने एक शेल्टर बना हुआ है। आप बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, इसीलिए जितने रॉकेट, 500 रॉकेट, 1000 रॉकेट, 1200 रॉकेट, इतने इतने 200 मिसाइलें आती हैं, लेकिन जान की हानि क्यों नहीं होती? उसकी वजह है सायरन बजते ही लोग सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। तो उसकी तैयारी ऐसे ही है। इस घर को कितना नुकसान हुआ है, और आप जहां हैं वहां से लेबनन बॉर्डर कितनी दूर है, और आज पूरे दिन में, अब तक तो अभी वहां पर भी दोपहर का समय हो गया होगा, अभी सुबह कुछ हमले हुए हैं कि नहीं? इसराइल की तरफ से हमले हो या फिर वहां से हवा जवाबी कार्रवाई आ रही हो लेबनन से, आज के दिन आपने कहीं सायरन सुना है? और यहां से वो बॉर्डर कितनी दूर है जहां आप खड़े हैं? देखिए, मैंने तो कई बार सायरन सुने, और मैंने आनंद, मैंने कई बार सायरन सुने, और हवा में मैंने देखा कि एक साथ तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें हैं, और आयरन डोम ने कैसे उनको मारा, वो सब कुछ मैंने भेजा भी है रिपोर्ट में, और आपने भी शायद देखा होगा। ये जो सीमा है लेबनान की, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ पर अलर्टनेस ज्यादा होती है, क्योंकि किसी भी टाइम अचानक सायरन बजने लगता है, अचानक जो है यहाँ पर कोई मिसाइल या प्रोजेक्टाइल कुछ आता है, और अचानक जो है पूरे लोकेलिटी को शेल्टर में जाना पड़ता है। ये जो घर है, जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये घर है यहाँ पर, और ये घर पूरी तरह से, आप देखिए, क्योंकि आप जरा दिखाइए, नहीं कि ये दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए, कराइए,
ये देखिए कैसे जो प्लास्टिक है वो पिघल गया, जल करके पिघल के नीचे गिर गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब कुछ पूरी जो चारदीवारी के पास जो पौधे लगे थे, पेड़ लगे थे, सारा कुछ जला हुआ है। ये जो पेड़ है वो देखिए, खिड़की ऊपर देखिए, यहाँ पर सब टूट गया है। अब ये जो घर है, घर में देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा, देखिए घर को ये लॉक कर दिया है, यहाँ से जी घर को लॉक कर दिया गया। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर इंसिडेंट होता है वहाँ पर, अंदर को मैं देख पा रहा हूँ सब कुछ तबाह है, लेकिन जहाँ पर इंसिडेंट होता है, कांच आप देखेंगे वहाँ पर सब कुछ तुरंत जो है यहाँ पर जो इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग हैं उसको ढक देते हैं या फिर उठा के ले जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि रिपेयरिंग का काम अभी भी चल रहा है। वहाँ जो दीवारें हैं उन पर भी जो है निशान आपको दिखेंगे। ये जो घर है उसके ऊपर देखिए, वो जो पर्दे वर्दे लगे थे सब कुछ डैमेज हो गया है। वहाँ पर नीचे भी देखेंगे डैमेज आपको दिखाई देगा। दीवारें देखिए कितना जबरदस्त हमला था कि उन दीवारों पर लगभग 20-25 मीटर दूर वो दीवार है, वो घर है, वहाँ पर देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर टूटा हुआ किस तरह से इन घरों में डैमेज, ये पूरा घर डैमेज हो गया। ये देखिए पूरा जी, यहाँ से सब कुछ साफ करके अगर आप निशान देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये बंद कर दिया गया है भले, लेकिन नए दरवाजे लगाए गए क्योंकि सब कुछ टूट चुका था। खिड़की दरवाजा, ये देखिए खिड़की टूटी हुई है, ये देखिए होल कितना बड़ा है, जरा दिखाई राकेश नेगी जी, ये जो झंडे के पीछे छुपा हुआ है वो होल देखिए, ये होल देखिए। मिसाइल कहाँ गिरी, जरा देखिए आनंद, मिसाइल गिरी उस घर पे वहां पे, और होल कहाँ हुआ ये देखिए इस घर पे, कितना डैमेज हुआ इसका। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही मुश्किल का समय होता है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, वो कहते हैं ना, तैयारी अगर आपकी पुख्ता है तो नुकसान कम से कम होता है। जी इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाइव रिपोर्ट के लिए अरुण, और मैं जानता हूँ आप वहाँ पर एक डिटेल रिपोर्ट करेंगे। वो जो होल आपने देखा उसके पीछे आपने देखी कंक्रीट की ईंटें थी, कंक्रीट की ईंटें, यानी कि वहाँ पर भी शायद एक बंकर था जिसकी वजह से लोग जहाँ उसके अंदर छुपे थे, तो उनकी जान बच गई, भले ही उस ढांचे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा हो।